नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी हुई ताजा सुर्खियों को विस्तार से जानेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की आज शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूँ कि दूरसंचार यानी IT सेक्टर में है ना, टेलीकॉम सेक्टर में सॉरी, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जो है लाने की तैयारी की जा रही है और इसको जल्द ही देश में लागू कर दिया जाएगा और एक हफ्ते के भीतर इसको लाया जाएगा। और सरकार ने पेंशन क्षेत्र में भी जो है FDI की सीमा 74% करने की जरूरत बताई है, जो कि वर्तमान में 49% है। और लगातार देखा गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही बिजली की खपत जो है 47% बढ़ गई है। पिछले दिन साल देखा जाए तो कोरोना काल में जो है बिजली की खपत में गिरावट आई थी और मुद्रा भंडार में भी जो है काफी गिरावट आया है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। और मैं बता दूं हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो है महंत नरेंद्र गिरी महाराज भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और लगातार जो है कोरोना की स्थिति देश में चिंताजनक बनती जा रही है। लगातार वर्तमान में 11 लाख के आसपास एक्टिव केस हो चुके हैं जो कि चिंता का सबब बना हुआ है देश के लिए। और BAFTA 74th BAFTA प्राइज पुरस्कार जो है 2 दिन के लिए शुरू हो चुका है, तो पहला दूसरा दिन शुरू हो चुका है, तो कल दूसरा पहला था, दूसरा दिन था आज का। और अमेरिका के कुछ राज्यों में जो है तूफान ने तबाही मचाई है। ये थी कुछ सुर्खियां, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले मैं बता दूं कि आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े 5 सवाल है, उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो है मैं एवरीडे डिस्कशन करता हूँ, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो जरूर देखिए वीडियो को अंत तक। और थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लगातार जो है 4-5 महीने से आपको बतलाए जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी और जो भी SSC CGL की एग्जाम होते हैं सभी में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1961 में सोवियत संघ यानी रूस वायुसेना के पायलट यूरी गगरिन ने अंतरिक्ष में कदम रखा। ऐसा करने वाले वे पहले इंसान थे, उन्हें वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। इस दिन हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कनाडा की सेना ने जर्मन सैनिकों को हराकर भी विमी रिज की लड़ाई जीत ली। यह फ्रांस के अरस्त क्षेत्र पर कब्जे के लिए जारी युद्ध का हिस्सा था। इसकी शुरुआत 9 अप्रैल को हुई थी। कनाडा इस जीत के साथ जर्मनी पर भारी पड़ गया। आज के दिन वर्ष 1885 में प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता रखाल दास जी का जन्म बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। प्रेसिडेंट्री कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई के दौरान बंगाल मंडल के पुरात अधीक्षक डॉक्टर ब्लॉक के संपर्क में आए। 1910 में भारतीय पुरात सर्वेक्षण विभाग में उत्खनन सहायक बने। 1917 में पुरात सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोला गया, वर्तमान में सर्वेक्षण के पश्चिम मंडल में अधीक्षक नियुक्त हुए। 1922 में मोहन जोदड़ो की प्राचीन सभ्यता की खोज की। 1926 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय में मनिंद्र नंदी प्राध्यापक से नवाजे गए, कई किताबें लिखी। आज ही के दिन वर्ष 1909 में जिम्बाब्वे ने अपने आधिकारिक मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर का त्याग किया। आज ही के दिन वर्ष 1917 से ब्रिटिश कैबिनेट ने 21 वर्ष की महिलाओं को मतदान देने का अधिकार का समर्थन किया। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो शुरू करते हैं। कई तरह की पाबंदी लगाने के बाद अब चीन सरकार ने जैक मा की कंपनी अलीबाबा के खिलाफ एक अधिकार विरोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है लगातार चीन दबाव डाल रहा है अलीबाबा पे, बर्बाद करने की नियत से जो है लगभग 2.8 अरब डॉलर यानी 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अलीबाबा सहित चीन के इंटरनेट कंपनियों के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर चिंतित है। उसकी चिंताएं इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब यह कंपनियां भी स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरे संवेदनशील क्षेत्र में अपना व्यापार फैला रही है। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट में रेगुलेशन के मुताबिक अलीबाबा समूह में एक अधिकार विरोधी नियमों का उल्लंघन किया, साथ ही बाजार में अपनी साख का दुरुपयोग किया है, इसलिए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि 2019 में अलीबाबा के द्वारा कमाई की लगभग 4% के बराबर है। ये देख सकते हैं कि चीन किस तरह से जो है उभरता एक कंपनी जो कि वैश्विक कंपनी बनता जा रहा है, जिसको चीन जो है दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ वजह भी हो सकते हैं, बिना वजह का जो है ये संभव नहीं है। तो अलीबाबा ने चीन की
जो भी गुस्ताखियां होती है, जो भी जो चीन जो जिस तरह से अपना पैर पसार रहा है, गलत काम कर रहा है, उसका पोल खोलने की कोशिश की थी, जिसको देखते हुए जो है कंपनी ने और चीन ने जो है इस पर एक्शन लिया है। तो चलिए आगे जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है। बिल्कुल सही बात है, आप जब तक परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तब वो हर काम जो आसान लगेगी, हर काम जो समय पूरा हो जाएगा। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है। पहले हम लोगों ने, पूर्वजों ने कहा है कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हम लोग अभी बोलते हैं डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस, धीरे धीरे और बोलेंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आपको सफल होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करना होगा, और वो भी एक सही रणनीति के साथ, एक सही दिशा के साथ। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करते जा रहे हो लेकिन दिशाहीन हो, रणनीति कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये सफलता जो है बहुत ही काफ़ी समय ले लेगी, और आपको जो है सफलता जो है असफलता के जैसा लगने लगेगा। तो बहुत जरूरी कि एक सही दिशा में, एक रणनीति के साथ जो है सफल हो और मेहनत करें। तो चलिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और टॉप 10 डेली करंट अफेयर में महत्वपूर्ण सवालों को विस्तार से खंडन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला न्यूज। तो 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार समारोह में फिल्म माँ रेनीज ब्लैक बॉटम ने 2 पुरस्कार जीते हैं। और मैं बता दूँ इम्पोर्टेंट न्यूज कि इसका होस्ट जो है किसने किया है, तो भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा कर रही हैं, जो कि वर्चुअली है, ये 2 दिन का ये है। तो बता दूँ कि तकनीकी श्रेणी में जो है ये पुरस्कार उनको दिया गया है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण जो पुरस्कार फरवरी में ये स्थगित कर दिया गया था, जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम भी चल रहा है। और 74वां ये जो है सेशन है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बता दूँ कि प्रिंस विलियम ने बाफ्टा अवार्ड्स छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट बता दूँ, भारत सरकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ का गैस कनेक्शन देगी। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, वीडियो का अंत जरूर देखिए, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो 2016 में 1 मई यूपी से इस योजना की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। कम एलपीजी कवरेज वाले राज्यों को मिल सकती है आवंटन में तरजीह, जिसमें कि झारखंड, बिहार और भी अन्य राज्य हैं। 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन के आवंटन होने हैं योजना उज्ज्वला योजना के तहत। तो काफ़ी सरकार का अच्छा डिसीजन है कि बहुत सारे जो है लोगों को ये फायदा नहीं मिला था, लेकिन अब जो है मिल सकता है दोबारा। तो मैं बता दूँ कि सबसे अच्छा स्थिति जो है उज्ज्वला योजना की लद्दाख की है, जहाँ पर 173% जो है ये अपना काम पूरा किया है। तो लद्दाख काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है इस पर। नेक्स्ट बता दूँ, गुजरात के संत महामंडलेश्वर भारती बापू का अहमदाबाद के भारतीय आश्रम में 93 वर्ष में निधन हो गया। तो न हनियते के अनुसार मैं बता दूं कि रविवार को जो है उनका सुबह निधन हुआ। एक शिष्य ने बताया कि बापू 93 वर्ष के थे और उनका निधन उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि संत का अंतिम संस्कार जूनागढ़ शहर में आश्रम के मुख्य केंद्र में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है ट्वीट करके बताया कि जूनागढ़ भारतीय आश्रम के महानिदेशक विश्व भारती जी के महाराज की शिक्षाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। और बहुत सारे लोगों ने जो भी केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और बहुत सारे लोगों ने जो है ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट आदमी, देश के 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा एक साथ होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो 7 सदस्यीय कमेटी के साथ जो है हो चुकी है बैठक। परीक्षा नियंत्रक की भी हुई है बैठक। UGPG में नामांकन को अब प्रवेश परीक्षा लेगा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अलग अलग होती थी जो प्रवेश परीक्षा, अब वो साथ में ली जाएगी। यानी देश में कुल मिलाकर देखा जाए तो 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है इसकी शुरुआत होगी जल्दी जल्द। इसे लागू करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7 सदस्यों की कमेटी जो है बनी थी। तो देख सकते हैं कि एक साथ परीक्षा होने से जो छात्रों को कितना फायदा हुआ होगा। पूरे विश्व में 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यूरी गगारिन जो कि रूस से जुड़े हुए हैं, आज ही के दिन जो है वो स्पेस पर पहुंचे थे वॉल्सॉक 1 अंतरिक्ष यान से। उसी दिन से जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आदून, भारत सरकार ने जो है पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर सकती है। ये बातें जो है सामने आई है। इस बारे में विधेयक संसद के मानसून सत्र में लाया जा सकता है। NPS न्यास में PFRDA से अलग करने का प्रावधान हो सकता है।
तो 74% कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को जो है मानसून सत्र में लाया जाएगा और 49% से 74% करने के कारण संशोधन को संसद ने तो पिछले महीने में मंजूरी दी है। बीमा अधिनियम 1938 के अंतिम बार 2015 में संशोधन कर FDI की सीमा को बढ़ाकर 49% किया गया था। अब इस क्षेत्र को 5 साल में 26 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश आया है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 में संशोधन कानून सत्र या शीतकालीन सत्र में यह इसको लाया जा सकता है। इसके जरिए पेंशन क्षेत्र में जो है FDI की सीमा बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट की देश में बिजली की खपत जो है अप्रैल माह में 47% बढ़ गई है, तो करीब करीब कुल मिलाकर देखा जाए तो 28.34 अरब यूनिट यानी BU पहुंच गई है। बिजली मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े जो है प्रस्तुत किए गए हैं। इससे पता चलता है कि औद्योगिक गतिविधियां जो है देश में सुधर रही है, बिजली का वाणिज्यिक मांग भी बढ़ रहा है। पिछले साल अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है बिजली की खपत मात्र 19 अरब के आसपास जो है यूनिट थी, लेकिन इस बार 28.5 अरब यूनिट तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट औद्योगिक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, IIT मुंबई की रिपोर्ट के अनुसार जो है SBI ने जनधन खाते धारकों से जो है गलत तरीके से 300 करोड़ रुपए वसूल किया है। क्या है ये असूली, इसके बारे में सेपरेट बताऊंगा, लेकिन बता दूँ कि वर्तमान में 60 करोड़ जो है जनधन खाते हैं देश में। 2014 में ये शुरू हुई थी। रिजर्व बैंक ग्राहकों को मदद करेगा, इसके लिए रकम ना काटने का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है काटा जा रहा है। PNB भी पीछे नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक भी जो है वो भी 9.5 करोड़ रुपये की वसूले हैं। इस तरह से जो है जनधन खाते से जो है गलत तरीके से जो है बैंकों के द्वारा जो है काटे जा रहे हैं, जो कि एक गैर कानूनी कार्य है। भारत सरकार इस पर एक्शन लेने वाली है। नेक्स्ट नदू, अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में आए भीषण तूफान से मचाही तबाही मची है। फ्लोरिडा मिसिसिपी जिस राज्यों में जो तबाही मची है, करीब करीब 6 से 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 20 से अधिक लोग जो है घायल हैं। 209 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चली है। इसमें राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार ये बताई गई है कि EF3 श्रेणी का यह तूफान था। नेक्स्ट आदमी, भारत समेत 26 देशों में रह रहे तिब्बतियों ने धर्मशाला स्थित निर्वाचित संसद के आम चुनाव में मतदान किया है। तो इसमें जो है इस चुनाव के जरिए सिक्योंग अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तिब्बती निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी वांगडू सेरिंग ने कहा कि मतदाता केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी CTA यानी निर्वाचित तिब्बती सांसद के 45 सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो जहाँ जहाँ तिब्बती लोग हैं सभी ने जो है करीब 26 देशों में रह रहे तिब्बतियों ने जो है अपना मत का अधिकार का प्रयोग किया है और निर्वाचित संसदों कि जो 45 सदस्य हैं उनको जो चुनने का काम किया गया है। तो जल्दी इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का Top 10 डेली करंट अफेयर। तो चलिए विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको देखेंगे विस्तार से। तो शेर सभी के शरीर में 8 आँत होती है, सभी लोग जानते हैं इंस्टेटाइन। तो शेर की छोटी आँत जो है सबसे छोटी होती है। जितने भी तरह के जीव जंतु हैं जो कि 4 पैर वाले हैं उसमें से शेर की सबसे छोटी आंत जो है सबसे छोटी होती है। हृदय के संकुचन को सिस्टोल भी कहा जाता है। पावोकाइस्टेटस जो है ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। मेंढक का क्या है, फ्रॉग का रारांटिग्रिना है। उसी तरह से होमोसेपियन से है ना इंडिकस डोमेस्टिका किसका है, काऊ का है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार का है, ये बातें जो है वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। कैल्शियम ऑक्साइड का के यौगिक को सफ़ेद पुताई के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो घर में लोग जो सफ़ेद पुताई करते हैं तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जैसे यौगिकों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। कुछ और इम्पोर्टेंट आपके बात साथ शेयर कर दूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर में कर दूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो मैं बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिला है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह घटते हुए 2 अप्रैल को समाप्त तो सप्ताह के 4 महीने से अधिक निचले स्तर पर 578.87 अरब डॉलर पर आ गया है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 2.42 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 26 मार्च को सप्ताह के में यह जो है 2.99 अरब डॉलर घटकर 579 अरब डॉलर रहा था।
भारत में सर्वाधिक मौतें, मौत की बात की जाए तो कोरोना और स्पेनिश फ्लू की जो है दूसरी लहर में समानताएं देखी गई है। तो बताया गया कि स्पेनिश फ्लू से सर्वाधिक मौतें भारत में हुई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 1.5 करोड़ से 1.7 करोड़ मौतें हुई है। इस लिहाज से कुल मौतों में भारत का योगदान करीब 25% है। 6,75,000 मौतें अकेले अमेरिका में हुई है। 50 करोड़ लोग संक्रमित। वर्ष 2018 में फरवरी से लेकर वर्ष 2020 के दौरान इस महामारी से 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए। यह संख्या उस समय दुनिया की कुल आबादी का 1/3 था। महामारी से कुल 5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो ये देख सकते हैं कोरोना की दूसरी लहर से ज़्यादा घातक है। करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू नामक बीमारी ने भी जो दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी, उसी को देखते हुए जो ये बातें जो सामने आई है कि 100 साल पहले और अभी फिर 100 साल के बाद ये जो है कोरोना और स्पेनिश फ्लू दोनों मिलकर में दोनों में एक समानताएं देखी गई है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा ये बातें की गई है। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट डे के साथ में नेक्स्ट क्लास के साथ में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। जाते जाते एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगेन। And you can also watch the video next yesterday.